हे गाइस, वेलकम टू अचानक गीतांजलि हिल्स। आज मैं आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ। क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन आपके बारे में और क्या रहेगा उनका नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स यू, फाइनल आउटकम क्या रहेगा, गाइडेंस कैसा, इस एनर्जी को हम एडप्ट करेंगे। और जनरल कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जिसको आपको जनरल कलेक्टिव रीडिंग के जैसा ही लेना है। लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन किसी भी जनरल कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर आपको लेना नहीं है। ये टाइम बेस्ड रीडिंग है और साइंस के लिए है, और जितनी सिचुएशन आपसे रेजोनेट होती है आपको उतनी ही लेनी है, रेस्ट आपको छोड़ देनी है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग का मतलब ही होता है गाइज, यहाँ पे लगभग जो जितने लोग देखते हैं उन सभी की एनर्जी यहाँ पे कैच होती है। तो ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, किसी ने मुझे पूछा था मेरे बारे में बताइए, तो जिसके लिए आपको पर्सनल सेशन बुक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हम जनरल कलेक्टिव रीडिंग लेते हैं डियर। तो समझ गए होंगे आप मेरी बात। एक कमेंट आया था कि टू मच लॉन्ग वीडियो, हाँ जी, अब सारे पॉइंट्स मुझे कवर करने अच्छे से बताने हैं तो वीडियो थोड़ी मेरी लॉन्ग हो ही जाएगी। लगभग 7-8 टॉपिक तो आ ही जाते हैं अगर मिनिमम से मिनिमम टॉपिक भी देखें, क्वेश्चंस भी देखें, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई वीडियो देखने के बाद तो उनके मन में कोई टॉपिक रहे। कोशिश करती हूँ, और अरे करने वाले तो सब तो डिवाइन है, एंजल्स है, मुझे जैसे गाइडेंस आती है वैसे मैं करती हूँ। तो कॉल करते हैं हमारे प्यारे आर्केंजल माइकल को। डियर आर्केंजल माइकल, प्लीज़ आइए, और मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं इनके पर्सन अभी इस वक्त इनके बारे में क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ गाइड मी आर्केंजल माइकल। देखिए, ये पर्सन तो आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं, भाग कर आना चाहते हैं। जैसे कि इस पर्सन ने कोई प्लानिंग कर ली है और वेटिंग जोन अभी ख़त्म हो गया है आपके रिलेशनशिप में जो कुछ भी था। नाइट ऑफ हैंड्स की एनर्जी आई है, टेन ऑफ एंथम, टेन ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी आई है। कुछ था जी प्रॉब्लमेटिक, एक पेनफुल साइकिल था, या फिर एक लूप था, या फिर अभी भी है। कुछ हुआ है पास्ट में जिसके वजह से कुछ दूरियाँ आई हैं दोनों के रिलेशनशिप में। ये पहले भी आया था बट मुझे लगा है जब मुझे फिर से आएगा तब मैं लूँगी। एक निगेटिव एनर्जी है आप दोनों के रिलेशनशिप में, या तो जी थर्ड पार्टी। अच्छा, तो ये सारा किया कराया थर्ड पार्टी का चल रहा है। हाँ, तो कोई थर्ड पार्टी है आप दोनों के रिलेशनशिप में जो कोशिश कर रही है आप दोनों का रिलेशनशिप बद से बदतर हो जाए। बहुत कुछ हार्डशिप आपको अपने रिलेशनशिप में आ जाए, आप दोनों में दूरी आ जाए, और काफ़ी कुछ कर चुकी है थर्ड पार्टी, और इस लूप में आप अभी भी है। इस पर्सन ने आपका हार्ट ब्रेक तो किया था थर्ड पार्टी के चलते, अब ये पर्सन अपने लव का ऑफर आपको लेके आ रहे हैं। प्यार का कप, अपना प्यार का कप आपको दे रहे हैं। ये पर्सन आजकल आपको बहुत स्टॉक कर रहे हैं। ऐसे पर्सन अपने रिलेशनशिप को हार्वेस्ट करना चाहते हैं, मीन्स इस पर काम करना चाहते हैं, इसको फ्रूटफुल बनाना चाहते हैं। ये पर्सन एफर्ट लेना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं। डेफिनेटली यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, और थर्ड पार्टी ने बहुत 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 कोशिश की है। ब्लैक मैजिक का साया मुझे दिख रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में, या फिर आपके पर्सन के ऊपर। नहीं तो आपके पर्सन के लाइफ में जो थर्ड पार्टी थी वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक थी। ये आपकी भी बात हो सकती है, अगर आप मैरिड है तो आप किसी टॉक्सिक पार्टनर से डील कर रहे हो और आप अपनी लाइफ में काफ़ी परेशान हो। आपका और आपके पर्सन के पर्सन में कुछ दूरियां चल रही, कुछ सेपरेशन चल रहा है। ये पर्सन आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं। आपका जो सिनेरियो चल रहा है आपके लाइफ में, आप जो सिचुएशन झेल रहे हैं, इससे आपके पर्सन भलीभांति परिचित है। कुछ हालातों के कारण, कुछ चीज़ों के कारण अगर ये पर्सन आपसे मिल नहीं रहे हैं, तो ये पर्सन आपसे मिलने का प्लानिंग कर रहे हैं। आपसे मिलने की बात तय हो गई है और उसके अब अमल लाना शुरू कर रहे हैं। कुछ दूर या तो सेपरेशन मोड तो मुझे दिख रहा है, या तो फिर आपके पर्सन सच में फिजिकली आपसे बहुत दूर है, नहीं तो आप दोनों में कोई डिस्टेंस रिलेशनशिप चल रहा है। बट ये पर्सन अब आपके पास आना चाहते हैं। अगर आपके लाइफ में आप इस सिचुएशन से घिरे पड़े हो, मीन्स आपके लाइफ में ये ऑलरेडी आपकी ट्रेजेडी थी, उसके बाद आपको आपके पर्सन मिले और इन्होंने कुछ अगर आपके साथ ऐसा ही कुछ किया है, थर्ड पार्टी के वश में ये पर्सन चले गए, उन्होंने आपको हार्ट ब्रेक दिया है, तो
थर्ड पार्टी की वजह से तो आपका दर्द दुगना हो गया है। और ये पर्सन अभी सोच रहे कि इनको आपके पास आना है, या आपको स्टॉक कर रहे हैं, या आपके वापस आप इस रिलेशनशिप को फ्रूटफुल बनाना चाहते हैं। इस पूरे सिचुएशन में मैं इतना देख पा रही हूँ, मैं भले एनर्जी आपके पर्सन के निकाल रही हूँ, पर जहाँ पे मैं आपको समझ पा रही हूँ तो मुझे आपको देखकर आपकी एनर्जी समझकर बहुत बुरा फील हो रहा है गाइस। मैं डेफिनेटली आपके ऊपर कल वीडियो बनाऊँगी, आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर मैं डेफिनेटली बनाऊँगी, क्योंकि मुझे अभी फील हो रही कि आप किस दर्द किस तकलीफ से अब जा रहे हो। ये वाली फीलिंग मुझे बहुत परेशान कर रही है, ये आपकी फीलिंग है। जहाँ भी रिश्ते आपने लगाए हैं, आपने हमेशा थर्ड पार्टी की वजह से हार्ट ब्रेक किया है। अगर आप कहीं और मैरिड है तो आपके पर्सन ने आपकी भी लाइफ एक हेल बना के रखी थी, आइदर ये है, अदरवाइज आपके पर्सन ने भी कोई थर्ड पार्टी रखी थी। मीन्स अपने मैरिड रिलेशनशिप में भी आपने थर्ड पार्टी को लेकर बहुत दुख दर्द झेला है, और अगर आपने उस दर्द से निकलने के लिए कोई रिलेशनशिप बनाया था तो वहाँ पे भी आपके पर्सन ने आपको सेम दर्द दिया है। पता नहीं मैं आज किससे बात कर रही हूँ। चलिए देखते हैं नाइट ऑफ एंथम की एनर्जी क्या है। हो सकता है ये पर्सन थर्ड पार्टी में तो चले गए, बट वहाँ पे भी आपके पर्सन को कुछ वहाँ से मिला नहीं। आपके पर्सन के साथ सेम कुछ ऐसा हुआ है, आपके पर्सन शायद समझ गए हैं कि ये किसी टॉक्सिक थर्ड पार्टी में रहे, तो उनके आपसे हार्ट ब्रेक किया तो उनको भी वही धोखा मिला है, धोखा हुआ है, बिटेल हुआ है। बट मैक्सिमम चीज़ें ये पर्सन आपके लिए फील कर रहे हैं कि इस पर्सन ने आपका दिल बहुत गंदे तरीके से तोड़ा है, और बहुत ही बुरे हालात में आपसे ब्रेकअप करके ये पर्सन चले गए थे। क्योंकि ये किसी इफेक्ट में थे, कोई ब्लैक मैजिक का साया मुझे दिख रहा है। नाइट ऑफ एंथम की एनर्जी क्यों है, नाइट ऑफ स्टोर्स की एनर्जी क्यों है मुझे प्लीज़ बताइए। बहुत स्लो थे ये पर्सन एक्शन के मामले में, इनके एक्शन अब फास्ट हो गए क्योंकि इनका डिसाइड हो गया, इन्होंने पूरी तरीके से प्लानिंग कर ली है। लॉ फ्रेंड्स की एनर्जी जी, डेविल, कोई डेविल तो है। और यहाँ पे देखिए इतने मैसेज आ गए मुझे, डेविल कौन है, टू ऑफ फ्रेंड्स, थर्ड पार्टी। अगर आप मैरिड हैं, आपके पर्सन के साथ आप मैरिड रिलेशनशिप में हैं, तो डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप में जो भी थर्ड पार्टी है उसने आपके पर्सन के ऊपर कुछ ऐसा ब्लैक मैजिक किया है कि आपके पर्सन आप में काफ़ी चीज़ें आ गई, बहुत टॉक्सिसिटी आ गई कि आपके सॉरी गाइस वीडियो ना बीच में ही रुक गई थी। तो देखिए मैं जो बोल रही थी कि जो थर्ड पार्टी आपके पर्सन के रिलेशनशिप में है, जो स्पाउस है, उन्होंने आपके पर्सन के ऊपर कोई ब्लैक मैजिक किया है जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में ये दूरी आ चुकी है। अगर ये आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी आपके पर्सन के लाइफ में है तो उन्होंने कुछ ऐसा इफेक्ट किया था जिसकी वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में दूरी आ चुकी है। अदरवाइज आपके पर्सन के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, मीन्स अगर ये मैरिड है कहीं और, तो उनके स्पाउस ने आपके पर्सन के ऊपर या तो कोई ब्लैक मैजिक किया है जिसकी वजह से ये पर्सन उसी रिलेशनशिप में अटक के रह गए हैं। ये बात सिर्फ आपके साथ रिलेशनशिप की नहीं है, हो सकता है इनके स्पाउस ने आपके पर्सन को इसलिए बांधा हो क्योंकि ये इनके जो स्पाउस है जो काफ़ी टॉक्सिक है, नार्सिसिस्टिक है, ये नहीं चाहते कि आपके पर्सन का ध्यान इनके अलावा किसी और जाए। मीन्स इनके फैमिली है, इनके पेरेंट्स हैं, इनके सिबलिंग्स हैं, इनके और जाए, तो बस अपने तक ही बांधने की एनर्जी मुझे लगती है कि इनके स्पाउस ने ऐसे की हो। बट जिसका कहीं ना कहीं इफेक्ट जो है आपके रिलेशनशिप पर भी आता है, अगर ये किसी किसी के लिए बात है। अगर इनके स्पाउस को आपके साथ रिलेशनशिप के बारे में पता है तो डेफिनेटली इनके स्पाउस ने ये पर्सन आपके साथ नहीं आए, आपके साथ इनका रिश्ता आगे न जाए, इसीलिए आपके पर्सन के ऊपर कुछ ऐसा किया है। या तो खुद ही बहुत डेविल एनर्जी में है और आपके पर्सन को बहुत कुछ डर लगता है अपने स्पाउस से कि ये कुछ ऐसे हालत खड़ी कर देंगे लीगली, जिसके जहाँ पे आपके पर्सन इस तरीके से अटक जाएंगे कि इनको निकलना मुश्किल हो जाएगा। या तो इस फियर में आपके पर्सन है, या तो इनके स्पाउस ने आपके पर्सन को इस कदर डरा के रखा है। दूसरी बात ये है कि ये खुद ही इतने डेविल है
कि इनको खुद ही पता है कि आखिर किसको किस तरीके से बांध के रखना चाहिए। मीन्स काफ़ी सारे टोने टोट के इनको पता है, इनके जो स्पाउस इनको पता है, और वो आपके पर्सनल व्यू पर बार बार अप्लाई करते हैं। नेट ऑफ फैंस के आपके लिए आपके पर्सन की सोच बटी है, इन्होंने मन बना लिया है, ये आपके लिए प्यार फील करते हैं और इन्होंने मन बना लिया है, अब इनको आपके पास आना है। देखिए नाइट ऑफ वैंड्स के नजदीक है, अभी इतना डिटेल जाती हूँ तो ये वीडियो लंबी होगी ना गाइस, मेरा क्या है मैं दो कार्ड पर बोल के मैं 15-20 मिनट में ख़त्म भी कर दूँ। नाइट ऑफ वैंड्स को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पर 10 ऑफ कप। देखिए फैमिलियर तो ये पर्सन आप ही के साथ फील करते हैं, अब आप इनके साथ मैरिड है, अनमैरिड है या फिर सिंगल भी है, तो इस पर्सन को ऐसे लगता है कि इनकी असली फैमिली जो है वो आप हो, क्योंकि जब आपके साथ ये पर्सन जुड़ते हैं तो शायद इनको एक जैसा फैमिली का जैसा फील होता है, ये आपको अपना फैमिलियर मेंबर समझते हैं, तो ये कंप्लीट करना चाहते हैं आपके साथ फैमिली। अब मैरिड वाले उनके लिए तो अच्छी बात है, अनमैरिड वाले उनके लिए भी अच्छी बात है, कहीं और मैरिड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है उनके लिए भी बात अच्छी है। टेन ऑफ एंथम की बात बताइए, टेन ऑफ एंथम क्यों है जी? कुछ इंट्यूशन यहाँ पे कुछ सीक्रेटिव चीज़ें गाइस, हिडन चीज़ें हैं, जैसे कि किसी प्रैक्टिशनर को हायर कर दिया है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में ये एक पेनफुल साइकिल चला रहे हैं, ये सेपरेशन आ जाए, धोखा हो जाए। दूसरी बात ये है कि आपके पर्सन शायद अब ये बात समझ गए हैं कि कुछ एक एक लेडी है, फीमेल है, जिसने हिडनली सीक्रेटली आपके रिलेशनशिप को और ज़्यादा गंदा और टॉक्सिक करने की कोशिश की थी। यहाँ पे बट एक अदृश्य एनर्जी है जो कोशिश कर रही है और ज़्यादा चीज़ें खराब करने की। हो सकता है आपके पर्सन इंटिट्यूट बहुत ज़्यादा हो गए और इंट्यूशन थ्रू आपके पर्सन ने ये चीज़ें फील की है कि जिसके साथ ही अपनी रिलेशनशिप को अच्छे से निभा रहे थे थर्ड पार्टी के साथ, तो असल में वो कैसी थी, उसका एक अलग फेस क्या था जो छुपा के रखा था, वो फेस क्या था, उसका असल नेचर क्या था, वो डेविल थी बट उसने बताया एम्प्रेस की तरह, आई एम द एम्प्रेस, बट असल में वो कितनी घिनौनी उसकी सूरत है, कितना घिनौना उसका फेस है, कितना घिनौना इसका रूप है। आपके पर्सन इंटिट्यूली ये बातें समझ गए हैं और ये बातें समझ कर आपके पर्सन को ये रियलाइज हो रहा है कि इस चक्कर में मैंने अपने उस पार्टनर के साथ कितना गलत किया। डेविल को क्लेरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ पेंटेकल। ये बहुत ही लालची पर्सन थे और शायद ये भी बात मुझे लग रही है कि किसी ने बहुत सारे पैसे देकर हायर किया था आप दोनों की रिलेशनशिप में इस डेविल एनर्जी को। डेफिनेटली ये करने वाली क्वीन ऑफ पेंटेकल इनकी लाइफ में वो स्पाउस है जो इनकी वाइफ हो सकती है या फिर इनकी मदर भी हो सकती है, कोई ऐसे फीमेल जिनकी बात ये मानते हैं। बट ये पर्सन अब आपको ना एक वैल्यू देना चाहते हैं, आपको एक रिस्पेक्ट देना चाहते हैं। दूसरी बात ये भी गाइस कि अगर आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो ना, तो ये पर्सन का आने का कुछ सीक्रेटिव एजेंडा भी हो सकता है, क्योंकि बार बार यहाँ पर डेविल एनर्जी भी आ रही है। अगर कोई डेविल एनर्जी इफेक्ट नहीं कर रहा है तो ये पर्सन किसी एक नेगेटिव एनर्जी के साथ, नेगेटिव एजेंडा के साथ आपके साथ आ रहे, ये भी किसी किसी के लिए मैसेज हो सकता है। अगर आपको पता है कि आपके पर्सन ने लॉन्ग लाइफ आपके साथ ऐसा ही खेल खेला है तो आप मेरी बात समझ जाएंगे, अदरवाइज सबके लिए ये मैसेज नहीं था, तो जिनके लिए वो उतना ले लें। थ्री ऑफ हैंड्स की बात क्लेरिफाई करें जी, वही तो मैं बोल रही हूँ, सीक्रेटिव बात आ रही है। देखिए अगर पर्सन आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में है ना, तो इनका सीक्रेट तो अफेयर रहेगा थर्ड पार्टी के साथ, सीक्रेटिव अफेयर रहेगा इनका, ये रखेंगे इनको, ये आपके साथ किसी एक नेगेटिव एजेंडे के साथ आ रहे हैं। आपके साथ फैमिलियर मानते हैं, इनको अवेयरनेस मिलती है, फैमिली का सुख मिलता है, बट अंदर से कुछ एक एजेंडा भी है इनका, वहाँ तक जाने की, वहाँ तक समझने की कोशिश डेफिनेटली करें। हिडनली कोई सीक्रेट थर्ड पार्टी है, ये बात मुझे बार बार और इसकी इंट्यूशन आ रही, इसका मैसेज मुझे लग रहा है कि आपको मैं दूँ। दूसरी बात ये है गाइस कि इमोशनल हो जाएंगे आपके पर्सन, कि जिस तरीके से आपका हर्ट भी किया है
हो सकता है ये पर्सन उस बात को लेकर काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं, क्योंकि हर किसी की थर्ड पार्टी टॉक्सिक नहीं हो सकते हैं। बट अब मैं कमेंट पर पढ़ती हूँ भाई, किसी की 73 एज है, 65 एज है, और इनके पर्सन लगातार किसी न किसी छल कपट इनके साथ करते, तो ऐसे लोगों के लिए हो सकती है एनर्जी कि इनके सीक्रेटिव थर्ड पार्टी है, किसी पैसे की ज़रूरत पड़ गई आ गई, कोई बात है आ गई, वही नहीं इनके जैसे या फिर ऐसी कुछ एनर्जी हो सकती है। ये आपकी भी बात हो सकती है, अगर आपको पता है कि ये पर्सन आपके साथ, आपको फील होता होगा इस पर्सन का आने का मतलब, इनका एनर्जी पहले की एनर्जी, आपकी एनर्जी, मेरा पंडे का क्या एनर्जी बताइए। वैसे मैं एक ही कार्ड के ऊपर इतने मैसेज देने बैठ जाती हूँ। नेट ऑफ पेंटेकल को क्लेरिफाई करा है पेज ऑफ पेंटेकल, एनर्जी स्लो है बट इनके अप्रोच बहुत कम रहेगा, प्यार मन में आता है बट अप्रोच बहुत कम दिखता है। किंग ऑफ कप की एनर्जी बताइए इनका, किंग ऑफ कप की एनर्जी को क्लेरिफाई कर रहा है किंग ऑफ पेंटेकल एंड नेट ऑफ पेंटेकल। बट देखिए प्यार तो है और ये पर्सन एक स्टेबिलिटी के साथ आ रहे हैं आपके पास, तो ये ठहराव रहेगा आपके रिलेशनशिप में। बट मैंने जो बात पेंटेकल की बताई है इसके ऊपर भी ध्यान दीजिएगा। नेट ऑफ पेज ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई करें, यहाँ पे नेट ऑफ सोर्स स्टॉक किया जा रहा है आपको, और स्टॉक करके ऐसा आप क्या कर रहे हैं मुझे पता नहीं, बट ये रह नहीं पा रहे, ये तुरंत भाग कर आ रहे हैं। अगर आपने किसी से शादी कर ली है ना इनको बताए बगैर, तो ये चीज़ें आपके पर्सन को हर्ट कर रही है, किसी के लिए आया पता नहीं, एम्परर की बात आ रही है। इनको अकेला छोड़कर अगर आपने कहीं और शादी कर ली है तो इस बात को लेकर आपके पर्सन अभी भी बहुत हर्ट है। कुछ बातें अगर आपने सीक्रेटली छुपाई थी जो इनका जानना ज़रूरी था आपने बताई नहीं है, इस बात को लेकर ये पर्सन काफ़ी हर्ट है, इसीलिए इनका अप्रोच काफ़ी स्लो आ रहा है, इसीलिए इनकी बातें बहुत धीमी आ रही है। बट ये पर्सन आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, आपसे प्यार करना चाहते हैं, आपके लिए एक डिसीजन लेना चाहते हैं, एक डिसीजन मेकिंग एनर्जी में आ रहा है। एक काफ़ी इस रिलेशनशिप में ना मैं आपकी ओर से भी कुछ चीज़ें देख रही हूँ, आपके पर्सन की ओर से भी कुछ चीज़ें देख रही हूँ, और आप दोनों की एनर्जी में कुछ चीज़ें कम पड़ रही, तो थर्ड पार्टी भी अपना कुछ ना कुछ स्वाहा कर रही है इस रिलेशनशिप में। बट इतना होने के बावजूद ये पर्सन आपके बारे में फील भी कर रहे हैं, आपके लिए प्यार भी महसूस कर रहे हैं, ये आपके पास आना भी चाहते हैं, ये आपके लिए डिसीजन लेना भी चाहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अब देखते हैं क्या नेक्स्ट एक्शन रहेगा आपके पर्सन का आपके टुवर्ड्स। आर्कएंजल माइकल प्लीज आइए, मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं इनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स हिम क्या है। झगड़े, आर्गुमेंट, या तो दोनों में हो सकते हैं या तो लोग लगा सकते हैं। झगड़े फसाद खत्म करेंगे क्योंकि रिवर्स आया था, थ्री ऑफ चालीसेस, थ्री ऑफ पेंटेकल एंड एम्प्रेस, यूनियन है, पार्टनरशिप बढ़ेंगी, रिलेशनशिप की पार्टनरशिप बढ़ेंगी। ओ माय गॉड, सन की एनर्जी, झगड़े तो सॉर्ट होने हैं। इसका मतलब मैक्सिमम लोगों की एनर्जी ये है कि इनके लाइफ में जो थर्ड पार्टी थी उन्होंने बहुत कुछ चीज़ें आपके रिलेशनशिप में ख़राब करने के लिए की थी, जो ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ों से रिलेटेड थी, और ये आपके पर्सन की इंट्यूटिवली आई ने पकड़ लिया है, क्योंकि इंट्यूशन आपके पर्सन की तो बढ़ रही है, एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। अगेन नाइट ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ एंथम जी, लवर, टेन ऑफ कप, किंग ऑफ एंथम,
कुछ निगेटिव टॉक्सिसिटी को हटाएंगे, ये पर्सन आपके लिए फर्म होते हुए दिख रहे हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे। ये पर्सन बहुत, देखिए एम्प्रेस भी आ गई, डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी भी आ गई यहाँ पे, वहाँ पे भी फोर ऑफ फायर्स की ट्विन फ्लेम की एनर्जी, यहाँ भी लवर की एनर्जी, फैमिली कंप्लीट दिख रही है। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन उतना ही स्ट्रॉन्ग एंड फर्म दिखने वाला है। जितनी भी टॉक्सिसिटी, जितनी भी निगेटिविटी, जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के रिलेशनशिप में एक दूसरे को लेकर हुई थी, बट ये सारी खत्म होती हुई दिख रही है, आर्ग्यूमेंट खत्म होते हुए दिख रहे हैं। और जो लोग चीज़ें खराब कर रहे थे आपके पर्सन, उनको बड़े आसानी से हटा देंगे अभी। सीधी बात, नो बकवास वाले एटीट्यूड में आपके पर्सन आते हुए दिख रहे, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई भी इधर उधर की बात नहीं, सीधा सीधा बात। ऐसा आपके पर्सन का एटीट्यूड मुझे आपको लेकर, या फिर अगर रिलेशनशिप को जो रेड फ्लैग्स ला रहे थे ऐसे लोगों को हटाने के लिए लेकर मुझे दिख रहे हैं। रिलेशनशिप बहुत, एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल आई है। पहले तो मैं इतने कम कार्ड लेती थी, अरे ये मैं क्यों ले रही हूँ, मुझे ये लेना था जी। देख बताइए आर्कएंजल माइकल, फाइव ऑफ कार्ड्स को वेरीफाई कीजिए। फाइव ऑफ फैंड्स को क्लेरिफाई कर रहे हेरोफेंट, अगर मैरिड रिलेशनशिप में बहुत झगड़े फसाद चल रहे थे उनको सॉर्ट करेंगे ये पर्सन। आप मैरिड हैं तो देखिए ये पर्सन आपके साथ अच्छा क्वालिटी टाइम बिताने वाले हैं, लविंग रोमांटिक होने वाले हैं, आपके लिए पैशनेट होने वाले ये पर्सन, फैमिली की जिम्मेदारी लेंगे, फैमिली को अच्छे बरकरार रखेंगे ये पर्सन, एक बिल्कुल एक जिम्मेदार पर्सन की तरह ये पर्सन आपके रिलेशनशिप में नेक्स्ट एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। आप काफ़ी पार्टी करेंगे, एंजॉय करेंगे, डेट पे जा सकते हैं जी, कोशिश जी, बहुत खुशहाली की शुरुआत हो रही है नेक्स्ट एक्शन में। ऐसा कब भी आया है, इसके इसका बॉटम द डेक हाइपरस्टेस था, क्योंकि एंटिटी हो गई है पर्सन, समझ आ गए इस पर आपके पर्सन को कि इनका सही प्यार क्या है। ओ गॉड, क्या ही मैं बोलूँ, लवर एम्प्रेस विथ लवर, यहाँ पर ट्विन फ्लेम का यूनियन भी दिख रहा है। अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं जी, आपके लाइफ का डार्क फेस खत्म हो गया है। आपके पर्सन करंटली सब चीज़ें दूध का दूध पानी का पानी आपके पर्सन समझ गए। सन को क्लेरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ पेंटेकल्स जी, अबेंडेंस है, अबेंडेंस है, स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी है। सन आ गई तो मैं क्या बोलूँ, इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी, ओ गॉड, सारे ट्विन फ्लेम के कार्ड आ रहे हैं यहाँ पे। फोर ऑफ फैंड्स, आपके मस्कुलाइन भी एक्शन लेने के लिए तत्पर है, आपके पार्टनर एक्शन लेने के लिए तत्पर है, आपकी मैरिड रिलेशनशिप बड़ी अच्छे से जाएंगे, ट्विन फ्लेम का यूनियन तो मुझे दिख ही रहा है यहाँ पे। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी, नाइट ऑफ एंथम को क्लेरिफाई कीजिए एंजल। क्वीन ऑफ वैंड्स जी, एट ऑफ कप, जो पर्सन छोड़ के चला गया था, मुंह फेर के चला गया था, वो देखिए घोड़े पे बैठ के आ रहा है। और कौन था इसके लाइफ में, एक टॉक्सिक थर्ड पार्टी थी, वो चली गई है, और ये पर्सन आपके टूवर्ड्स एक्शन ले रहे, परमानेंट मीन्स बिल्कुल कॉन्फिडेंट एंड परमानेंट एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं पर्सन। क्वीन ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कीजिए जी। हाँ, आपको ब्लॉक क्यों किया था, आपसे डिस्टेंस क्यों रखा था, नो कॉन्टैक्ट लेस कॉन्टैक्ट क्यों रखा था, इसका क्लेरिफिकेशन, और क्लेरिफिकेशन के साथ नई शुरुआत। यहाँ पे 11-11 आपको बहुत दिख रहा है, 111 आपको बहुत दिख रहा है, तो एनर्जी आपसे रेजोनेट ज़्यादा होंगी। यहाँ पे मैंने देखा ही नहीं, इसके लिए बॉटम द डेक 9 of cup था, किसी की विश फुलफिलमेंट तो कंप्लीट हो रही है यहाँ पे। लवर को क्लेरिफाई कर रहा है 10 of pentacle, क्या है मैं बोल रही, इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी आ रही है यहाँ पे जी। बहुत लॉन्ग टर्म जाएगा ये रिलेशनशिप आपका, आप नो मैटर आप कौन सी रिलेशनशिप में है, थर्ड पार्टी में इन्होंने आपको रखा है, मीन से कहीं और मैरिड है, तब भी ये फैमिली एंड परमानेंट स्टेबिलिटी आपके साथ होती हुई दिख रही है। ये पर्सन ऐसा कुछ आपके लिए नेक्स्ट एक्शन लेने वाले हैं ना, तो आप तो धन्य हो जाएंगे इस रिलेशनशिप में। अगर मैरिड है तब की भी बात बहुत अच्छी और ब्यूटीफुल आ रही है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, जो कनेक्शन में यूनियन आपको बिल्कुल एक करने वाला है, यूनाइट आप होने वाला है, यू कम्प्लीट योर सेल्फ विथ इच अदर, ऐसा मुझे दिख रहा है। 10 of chalices के एनर्जी की एंजल, 10 of chalices को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे मून इन द रिवर्स, और उसके लिए आ रहा है हाई प्रिस्टेस। तो किसी ने अगर कुछ किया भी था तो भाई ये तो हटने वाला है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे या तो आप खुद एक डिवाइन फेमिनाइन हो और आपने लंबे समय से अपनी रिलेशनशिप को हीलिंग भेजी है,
और वो हीलिंग सक्षम हो गई है, वो हीलिंग सक्सेसफुल हो गई है, जिसका फ्रूटफुल नतीजा मुझे आपके पर्सन के नेक्स्ट सेक्शन में दिख रहा है। ये पर्सन आपके टूअर्स परमानेंटली यूनाइट होते हुए दिख रहे हैं। जो कोई भी निगेटिव चीज़ें आपके रिलेशनशिप में जो लोग खराब कर रहे थे, तो उसका असर बेअसर होने वाला है। किंग ऑफ एंथम की एनर्जी बताइए एंजल। सन क्या बोलूं, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आ रही है आज। टू ऑफ पेंटेकल, फाइनली रिलेशनशिप में परमानेंट बैलेंस आ जाएगा। उस पर्सन में, आपके पर्सन में इतनी स्ट्रेंथ आने वाली है कि जिससे ये पर्सन इस रिलेशनशिप के लिए एक्शन ले, फर्म रहे, लॉयल रहे आपके साथ रिलेशनशिप में, क्योंकि ये पर्सन चाहते इस रिलेशनशिप में हमेशा हमेशा के लिए अबेंडेंस। हमेशा टॉप पेंटेकल की एनर्जी में आपके पर्सन जिगर करते थे, समझ नहीं पाते थे कि इनको हालात को, सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, बट फाइनली ये पर्सन अपने एक नतीजे पे आते हुए मुझे दिख रहे हैं। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आई है गाइस। नेक्स्ट एक्शन, वन की एनर्जी बहुत आ रही है मुझे। हो सकता है अगले वन डे तो बहुत लगे, वन के लिए बोलूंगी, वन डे में चीजें बदल हो जाए, बट वन वीक, वन मंथ का समय मुझे लग रहा है। टेन की एनर्जी बहुत आई, तो किसी किसी के लिए 10 days, 10 weeks या 10 months। अगर सिचुएशन इतनी जल्दी नहीं बदल सकते, आपको पता है, क्योंकि चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं, तो उनके लिए हो सकता है 10-10 नंबर, 111 नंबर, 111 नंबर आपको बहुत अगर दिख रहा है। ये बात बार बार आ रही मुझे, किसी को एंजल नंबर आजकल बहुत दिख रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या है आपके पर्सन का, आपके पर्सन का और आपके रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम क्या है। प्लीज गाइड मी आर्कएंजल माइकल, प्लीज गाइड मी, थैंक यू। किंग ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ सोर्स, जी एक्शन होगी, सोच समझ कर एक्शन होगी, हालात का पूरा अंदाजा लेकर, सिचुएशन का मद्देनजर देखते हुए एक्शन होगी। टू ऑफ वैंड्स, यहाँ पे बात है कि थर्ड पार्टी स्टॉप कर सकती है आप दोनों को, वर्ल्ड एंड अगेन 10 of cup, 5 of swords। कोशिश थर्ड पार्टी की रहेंगी हमेशा आप दोनों में झगड़ा लगाएं, फैमिली में झगड़े फसाद हो, ये कोशिश थर्ड पार्टी करेंगी, क्योंकि थर्ड पार्टी स्टॉप बहुत करेंगी आपको। बट यहाँ पे बात ये भी है कि भाई आप अपने फैमिली के साथ कहीं घूमने के लिए जा सकते हैं। 10 of wands, जी हाँ, काफ़ी बर्डन उठाना पड़ेगा आपको भी, आपके पर्सन को भी, प्यार के खातिर। 8 of cup, नहीं मून है, मून। 4 of cup, 7 of cup, कुछ ऑप्शंस हैं आपके दोनों के रिलेशनशिप में, जिनकी वजह से थोड़ा बर्डन, इमोशनल बर्डन ये रहेगा कि इतना होने के बाद फिर किसी को छोड़ना तो नहीं पड़ेगा। आपके मन में भी फियर रहेगा कि भाई जो ऑप्शन है वो काफ़ी तगड़े हैं, स्ट्रांग है, कुछ ना कुछ फसाद कर रहे हैं, क्या रिलेशनशिप में बरकरार रहेगा या फिर वापस से ही चीज़ें आएंगी, ये चला जाएगा, कहीं चली जाएगी। ये थोड़ा फियर ऑफ रिजेक्शन फाइनल आउटकम में मुझे दिख रहा है। बट मुझे आपकी तो लाइफ कंप्लीट होती हुई दिख रही है, बहुत कुछ बर्डन उठाना पड़ेगा आपको भी और आपके पर्सन को, जिसको लेकर कुछ थोड़ी सी अनबन हो सकती है आप दोनों में। क्वीन ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ वैंड्स को क्लेरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ वैंड्स, कंप्लीट एक्शन आ रहा है गाइस पर्सन का, दोनों में रिलेशनशिप भी जाएगा। पेज ऑफ सोर्स क्लेरिफाई बाय 7 of swords इन रिवर्स, देखिए यहाँ पे चीटिंग की एनर्जी से तो आपके पर्सन निकल रहे हैं। स्टॉक तो बहुत होगी आपको, जम के स्टॉक होगी आपके रिलेशनशिप को, नज़र रखी जाएंगी थर्ड पार्टी से, क्योंकि कोई चाहता है कि इस रिलेशनशिप में वापस हो दौर आ जाए, आपके पर्सन आपको चीट करके भाग जाए, कोई इस फिराक में कोई है।
और दूसरी बात यह है कि पर्सन का अगर एटीट्यूड रहा है बार बार आपको चीट करना, चीट करके भाग जाना, ये मैच्योर एनर्जी में रहे थे तो अब ये पर्सन उस एनर्जी से निकल कर आ रहे हैं। टू ऑफ फैंड्स की एनर्जी क्यों है? टू ऑफ फैंड्स को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पर हायरोफैंट। देखिए यहाँ एक अवेक एंड डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी आ रही है। ये पर्सन आपका चुनाव करते हुए मुझे दिखते हैं फाइनल आउटकम में। चीज़ें इनके लाइफ में बहुत स्कैटर्ड थी, बहुत ऑप्शन थे जिसकी वजह से कन्फ्यूजन था, इसीलिए आपके पर्सन हमेशा टू ऑफ पेंटेकल की एनर्जी में रहते थे। बट अब पर्सन आपके लिए फर्म डिसीजन, फाइनल डिसीजन लेते हुए दिख रहे, जैसे किसी की अवेकनिंग हो गई, किसी ने चीज़ें समझ ली, पाथ जान लिया, कॉन्ट्रैक्ट जान लिया, क्योंकि स्पिरिचुअल एक्टिविटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई पावर होती हुई मुझे दिख रही है। और स्पिरिचुअल हाई पावर की वजह से ही आपके पर्सन में वो मैच्योरिटी, वो स्ट्रेंथ, वो पावर आती हुई मुझे दिख रही है। द वर्ल्ड की एनर्जी को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे फायर ऑफ पेंटेकल जी। देखिए थर्ड पार्टी की कोशिश रहेगी कि आप दोनों के रिलेशनशिप में वापिस हो, सेपरेशन मोड आ जाए, अकेलापन आप दोनों को मिले, क्योंकि कोई यहाँ पे ऑप्शन है जो टॉक्सिक है, ये बार बार कोशिश करेंगे। दूसरा मैसेज मुझे ये आ रहा है कि फाइनेंस की कमी थोड़ी बहुत हो सकती है। अगर वर्ल्ड वाइड कोई कारोबार करता है तो वहाँ पे थोड़ी फाइनेंशियल दिक्कतों का सामना आप दोनों को रिलेशनशिप में करना पड़ सकता है, जिससे वो एक्स्ट्रा ज़्यादा काम करना पड़ सकता है, आप लोगों का बर्डन बढ़ सकता है अगर फाइनेंशियल दिक्कत आती है। कोई फॉरेन से कोई डील कर रहा है तो हो सकता है उस डील में कोई चीज़, क्योंकि पेज ऑफ सोर्स एंड सेवन ऑफ सोर्स भी है। अगर वर्क वाइज आप कुछ इस रीडिंग को भी देखेंगे तो वहाँ पे एक मैसेज आ रहा है कि अगर आप अब्रॉड से या फिर फॉरेन से या फिर लॉन्ग डिस्टेंस से कोई कारोबार कर रहे हैं, कोई डील कर रहे हैं, तो वहाँ पे अगर कोई चीटिंग हुई थी या फिर हो सकती है, जिसकी वजह से फाइनेंस के ऊपर थोड़ा असर पड़ सकता है, तो उन इस चीज़ों का बर्डन आप दोनों के ऊपर रहेगा। क्योंकि अगर फैमिली को खुशहाल बनाना है, हैप्पीनेस लाना है, तो फाइनेंशियली इनकम, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ होनी ज़रूरी है, तो इसका भी बर्डन हो सकता है। और दूसरी बात इमोशनल बर्डन ही हो सकता है, क्योंकि थर्ड पार्टी कुछ ना कुछ कोशिश करेंगे फिर से कि आप दोनों में वो चीज़ें आ जाए, या फिर आपके मन में भय है कि थर्ड पार्टी वापस कुछ ऐसा कर देंगी कि आपको कहीं अकेला फिर से इस रिलेशनशिप में ना रहना पड़े। टेन ऑफ कप की एनर्जी बताइए एंगल। अरे आपके पर्सन का माइंडसेट कंफ्यूज करने की कोशिश होगी या फिर होगी। अब यहाँ पे बात आ रही क्वीन ऑफ पेंटेकल एंड थर्ड पार्टी, सीधा मैसेज है यहाँ पे थर्ड पार्टी के ओर से कुछ चीज़ें की जाएंगी जिसकी वजह से थोड़ा कंफ्यूज माइंडसेट आपके पर्सन का होगा। ये कहीं और मैरिड रिलेशनशिप में है तो ये आपसे लीगली तो मैरिड नहीं कर सकते, या आपके साथ फैमिलियर बन के रह सकते हैं, लिविंग में रह सकते हैं, लॉन्ग टर्म रह सकते हैं, बट ये आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में नहीं रह सकते। आपको चाहिए वो वैल्यू, वो रिस्पेक्ट, वो दर्जा, पर थर्ड पार्टी के होते ये पर्सन आपको ये नहीं दे सकते, अगर आप इस पर्सन से मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं तो। अगर आप मैरिड रिलेशनशिप में हैं तो डेफिनेटली आपको हमेशा ये चीज़ रहेगी कि थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन का लिविंग रिलेशनशिप रहा है, तो आपके पर्सन थर्ड पार्टी का भी बोझ कहीं ना कहीं उठा के चल रहे हैं, आपके साथ रहते हैं बट ये थर्ड पार्टी की भी जिम्मेदारियाँ उठाते हैं। जिस बातों को लेकर ही कुछ ना कुछ आप दोनों में कन्फ्लिक्शन या फिर झगड़े होते हुए मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे थर्ड पार्टी की वजह से। अगर ये पर्सन फैमिलियर है, आप इनके साथ मैरिड है, इनके ऊपर काफ़ी सारे ऑप्शंस की जिम्मेदारी, मीन्स इनके पेरेंट्स है, इनके सिबलिंग्स है, हो सकता है आपके पर्सन के भाई है और भी भाई है, बट आपके पर्सन अकेले जिम्मेदारी उठाते हैं, तो इस चीज़ को लेकर भी आप दोनों में कुछ झगड़े फसाद हो सकते हैं। थोड़ा कन्फ्यूज माइंडसेट आपका रहेगा ये कि इस रिलेशनशिप में क्या ये आपको वो स्टेबिलिटी दे पाएंगे, अभी आप किस हालत में है मुझे नहीं पता, बट आपका एक माइंडसेट रहेगा कि ये पर्सन आपके साथ ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रहेंगे, वो सदा के लिए रहेंगे, या फिर ये कुछ टाइम के लिए रहेगा और वापस चीज़ें इधर उधर हो जाएंगे। फाइव ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे किंग ऑफ पेंटेकल, वही फाइनेंस को लेकर। जी हाँ, आपके पर्सन में मैं मुझे वही लगता है फाइनेंस को लेकर ही आपको लगेगा कि आपके साथ फिर से धोखा हो गया है। हो सकता है थर्ड पार्टी आपके पर्सन से काफ़ी सारे पैसे ऐंठ रही हैं और आप यहाँ पे इस रिलेशनशिप को बरकरार रखने के लिए, स्टेबिलिटी रखने के लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हो और ये पैसा कहीं और ही जा रहा है। इस बात को लेकर आपकी आपके पर्सन के साथ झगड़े भी होंगे और आपको ऐसा लगेगा कि आपके साथ फिर से कोई धोखा हो चुका है। अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग है तो ये पर्सन जुड़ते हैं और आपसे काफ़ी सारे पैसे की डिमांड करते हैं, और जिस पैसे से ये पर्सन इनके लाइफ में जो ऑप्शन है इनका काम चलाते हैं,
इस बात को लेकर आपको ऐसा लगेगा कि आपके साथ कुछ ना कुछ धोखा हुआ है, कुछ ना कुछ चीटिंग हो रही है। आपको चाहिए पर्सन अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, बट यहाँ से आपकी मेहनत और किसी और का पेट पाला जा रहा है। तो ये चीज़ आपके दिमाग में घर करेगी और इस बात को लेकर आपको गुस्सा भी आएगा और आपके पर्सन से ये इसी पैसे को लेकर किसी ना कोई यहाँ पे बात होगी। दूसरी बात ये है कि ये पर्सन कमिटमेंट लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रहते हैं, बट यहाँ पे स्टेबिलिटी के नाम पर आप जब फैमिली की शादी की बात करते हैं कहीं और मैरिड है तो ये आपको मिलती नहीं है। तो इस बात को लेकर भी आप आपके मन में ही शंका हो सकती है। टेन ऑफ पैंट्स की एनर्जी बताए हैं जी, जजमेंट, थ्री ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ कप एंड फाइव ऑफ पैंट्स, बहुत मैसेज आ गए जी। बर्डन क्या रहेगा, थर्ड पार्टी की वजह से आपको वापस इस रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम में बहुत कुछ हार्ट ब्रेक होगा, धोखाधड़ी हो गई, मेरे साथ चीटिंग हो गई है, झगड़े होंगे, फसाद होंगे। और ये पर्सन देखिए अगर आपके बात सीधी तरीके से मानते नहीं, अपने मनमानी चलाते हैं, तो यहाँ पे डिवाइन को अपना हस्तक्षेप करना पड़ेगा। डिवाइन कुछ ऐसा कर्म आपके पर्सन को देंगे तो जितना बर्डन ही उठाने, इमोशनल हो या फिजिकल हो या इकोनॉमिकल हो, ये पर्सन आपको उठाने के लिए बोलते हैं, थर्ड पार्टी उससे दोगुना तिगुना बर्डन इनके कंधे पे रख देंगी। जो बर्डन ये आपके पर्सन उठा ही नहीं पाएंगे, तब जाके आपके पर्सन को आपकी सब बात समझ में आएंगी, तब जाके अपोलॉजी मिलेंगी, तब जाके आपके रिलेशनशिप का पहिया फिर से ठीक से चलने लगेगा। क्वीन ऑफ कप की एनर्जी बताइए, क्वीन ऑफ कप की एनर्जी को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे स्टार। हाँ, और आप इस दौरान क्या करते हैं ना, आपकी यही कोशिश रहती है कि आपके पर्सन रियलिटी को समझे, सिचुएशन को समझे, हालात को समझे, ये पर्सन आपको न्याय दे, ये पर्सन आपके साथ रहे और आपके प्यार के लिए कुछ ना कुछ यूनिवर्स करे। यूनिवर्स डेफिनेटली आपकी सुनती हुई दिख रही है। जो लोग इनको ऐड रहे थे, जो लोग इनके मीन्स इनके लाइफ में जो लोग हैं वो तो टॉक्सिक है, ये आपके पर्सन का सिर्फ फायदा उठा रहे हैं। ये पर्सन ये बात बहुत देर बाद समझ जाएंगे, क्योंकि इनको इनके साथ कुछ ना कुछ यूनिवर्स कर्मा करेंगे, इनकी ऐसे आई ओपनिंग करने वाली ना, जिसकी वजह से ये पर्सन माफ़ी मांगे सीधा आपके साथ आएंगे और आपकी जो विश फुलफिलमेंट है ये पर्सन जिस एनर्जी से आ जाए तो ये आ जाएंगे। अब यहाँ पे इमोशनल होने की बात क्या है, क्या सीक्रेट है, क्या हिडन है बताइए। जी हाँ, जो बातें सीक्रेट थे आप दोनों के रिलेशनशिप में वो अच्छे ढंग से सामने आने वाली है। नतीजा ये होने वाला है कि ये पर्सन आपके लिए हमेशा के लिए प्रोटेक्टेड रहने वाले हैं। अगर इनके लाइफ में जुड़े हुए लोग बहुत इमोशनल करके आपके पर्सन का गलत तरीके से फ़ायदा उठा रहे थे, तो ये सारी बातें मैंने बोला ना आई ओपनिंग होनी होगी तो आपके पर्सन के सामने आने वाली है। जो कुछ भी कुछ हिडन चीज़ें थी, कुछ मैजिक या स्पेल या मून मैजिक कोई कर रहा था, तो ये सारी बातें तो खत्म होने वाली है, क्योंकि यूनिवर्स खुद आपके रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करेंगे। सन की एनर्जी सबको जला के खाक कर देगी और आप सबको क्लेरिफाई करेंगे। आपके मन में हमेशा कोई फियर रहता है तो इस बात को लेकर आपके पर्सन आपका भरोसा जीत लेंगे, आपको भरोसा देंगे, आपको क्लैरिटी देंगे कि आपको मन में ये फियर लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस पर्सन का प्यार का कप यहाँ पे क्वीन ऑफ कप किंग ऑफ कप दोनों आ गए हैं। अनकंडीशन आप भी करते हैं जैसा प्यार वही प्यार आपके पर्सन देंगे, क्योंकि इनके सामने चीजें अच्छे से आ गई है। सेवन ऑफ कप की एनर्जी किसी ड्रामे से कम नहीं आपकी रिलेशनशिप। सेवन ऑफ कप को क्लेरिफाई कर रहा है जी, सारे ऑप्शन तो हट जाएंगे, ये फैमिली में आप एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं, आपके पसंद के साथ चीजें आपके फेवर में फाइनली आ ही जाएंगी। अरे हाँ, कार्ड्स हो गए तो आपका कनेक्शन तो भाई डेस्टाइन है, यहाँ पे चीज़ें डेस्टाइन है, बातें आ रही यहाँ पे नेट ऑफ सोर्स की। हाँ, तो थोड़ा ये आपके पर्सन का रवैया होता है, ये कभी एक जगह पे टिकते नहीं, चंचल होती है कि आपके पर्सन और कंफ्यूज बहुत हो जाते हैं, और ये ट्रस्ट इश्यू आपके रहते हैं हमेशा कि ये पर्सन वापस भाग जाते हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में जो कोई भी महिला है या कोई स्पाउस है वो कुछ ना कुछ अपने एक्शन से आपके पर्सन को मजबूर कर देती है। अगर ये ट्रस्ट इश्यू आपके हमेशा रहे हैं तो आपको इस बात के लिए सोचने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, ये डेस्टाइन कनेक्शन है, ये अपने यूनिवर्स के जो क्रिएटर है इन्होंने खुद इस लाइफ को डिज़ाइन किया है, तो ये डेस्टाइन हो गया है। यहाँ पे चीज़ें होंगी, यहाँ पे गलत चीज़ें भी होंगी, स्ट्रगल भी होगा, चैलेंजेस भी होंगे, बट अंत में रिजल्ट आपके फेवर में होगा, जो आप चाहते हैं वही होगा। तो ये है आपकी रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम। अब मैं देख लेती हूँ आपके
क्या है ना, आप क्या यूनिवर्स का गाइडेंस क्या है, एंजल का गाइडेंस क्या है आपके लिए? मैं सोच रही थी कुछ मेरा रह तो नहीं गया मैसेज। यूनिवर्स का क्या गाइडेंस है आपके लिए? यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। रोमांस, जी रोमांस तो आ ही जाएगा लाइफ में, है भाई लाइफ में रोमांस भी है, बट लाइफ में सिर्फ रोमांस नहीं होता है ना, उसके साथ बहुत चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ भी करनी पड़ सकती है। जी हाँ, वही मैसेज है एंजल ने। अबेंडेंस आएगा, थोड़ा टाइम कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, यहाँ पे सारे इसके साइन आ रहे हैं विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स इन द नियर फ्यूचर। तो किसी के लिए मैंने 1 की एनर्जी बोली थी और किसी को मैंने 10 की एनर्जी बोली थी। यू आर रेडी, अभी निकलना नहीं है आपको, बट ये आपके ऊपर है। देखिए आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है और वैसे एंजल यहाँ पे बोल रिकवरी होगी, बट अगर आप बहुत गंदे तरीके से रिलेशनशिप में स्ट्रक हैं, फंसे हैं, टॉक्सिसिटी है जहाँ से आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो ये आपकी आपकी चॉइस है कि आपको रहना है या नहीं रहना है। अदरवाइज एंजल्स तो बोल रहे हैं यहाँ पे रिकवरी होंगी, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करें सिचुएशन के साथ, आपको रेडी है, रेडी नहीं तो रेडी हो जाओ, फिर आपके ऊपर है क्या करना है। तो ये थे एंजल के गाइडेंस आपके लिए। तो गाइज ये थी मेरी आज की रीडिंग। रीडिंग आपको कैसे लगी डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।